अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 18 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार करना तथा पारित किए जाने का अनुरोध करता हूँ। आप कुछ बोलिए, बाद में बोलेंगे। बोलते बोलते सभापति महोदय, आज मैं आपकी सामने और आपके माध्यम से सदन के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का एक संशोधन प्रस्ताव लेकर आए हैं। देश में जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू हुआ है, जिस प्रकार की मल्टी मोडल मल्टी सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की रूप बनने लगा है, उसके लिए उपयुक्त मानव संबल की भी आवश्यकता है, अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की ये निर्णय हुई है कि हमें एक वैश्विक स्तर की ग्लोबल स्टैंडर्ड मल्टी मोडल मल्टी सेक्टोरल एक एकेडमिक इकोसिस्टम नॉलेज इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। उसी के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक दूरदृष्टि है कि एक गति शक्ति मिशन बनी है, गति शक्ति परिकल्पना के अंतर्गत सारे विभागों की एक प्रकार से एकीकरण करना नीति के लिए नियम के लिए इसकी एक नई ढांचा बनते दिख रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के सारे विभाग, रेलवे, रोड सेक्टर, वाटरवेज, एविएशन सेक्टर, पोर्ट सेक्टर तथा आईटी जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे को सभी प्रकार की संवाद की, दूर संचार की, गमनागमन की व्यवस्था को गति शक्ति की प्लेटफॉर्म पे एक करने की आज योजना बन रही है, क्रियान्वयन हो रही है। ये इस प्रकार की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने में देश आज जुटी है, उचित होगा उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मानव संबल भी वैसे ही बने। इसीलिए मैंने कहा मल्टी सेक्टोरल मल्टी मोडल मल्टी डायमेंशनल मल्टी डिसिप्लिनरी वैश्विक स्तर की एक विश्वविद्यालय बने। एक रेलवे विभाग की अगुवाई में पिछले 2018 से एक डीनोवो यूनिवर्सिटी चल रहा है। आज आवश्यकता हुई है इसकी परिधि को सर्वव्यापी करना, सर्वदेशी करना। इसीलिए यह संशोधन प्रस्ताव विश्वविद्यालय 2009 कानून में हम लेके आए हैं। आपकी विचारार्थ, सदन की विचारार्थ हम स्थापित कर रहे हैं।